बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो है ना चिकन कढ़ाई बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जो है ना एक बाउल में मैंने चिकन ली है, 2-3 चम्मच इसमें मैंने दही डाली है, इसमें मैंने मसाला डाला है। कोई भी आपके घर सालन मसाला हो, कढ़ाई मसाला हो या चिकन मसाला हो वो डाल लें। हल्दी पाउडर डाली है और ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर डाला है, और इसमें मैंने जो है ना अदरक पाउडर डाला है। मेरे पास ताज़ी अदरक नहीं थी इसलिए मैंने अदरक पाउडर ऐड किया। अगर आप लोगों के पास ताज़ी अदरक है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने लहसुन भी जो है ना पीस के डाला है। एक कढ़ाई में मैंने चॉप हुए प्याज लिए हैं 1 अदद। वैसे मैं जो है ना चिकन कढ़ाई में प्याज ऐड नहीं करती थी, लेकिन आजकल मैं डालती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छी सी ग्रेवी बने तो उसके लिए प्याज लाजमी ऐड करें। उससे ये होता है कि थोड़ी ग्रेवी अच्छी बन जाती है और ज़्यादा भी बन जाती है। तो प्याज को मैंने थोड़ी देर फ्राई किया है, और इसमें फिर मैंने जो है ना टमाटर चॉप करके डाले हैं। टमाटर भी मैंने जो है ना थोड़े से ज़्यादा डाले हैं, ताकि जो है ना ग्रेवी में वही बात कि ग्रेवी अच्छी बन जाए। तो इसमें मैंने जो है ना टमाटर चॉप करके डाले हैं। अब मैं इसका मसाला बनाऊँगी, और मसाले में मैं जो है ना जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था 1 घंटे के लिए, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त जो है ना मिक्स करके उसी वक्त भी डाल सकते हैं। अगर टाइम है तो इसे जो है ना 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर ले। इससे ये होता है कि जो बोटियाँ होती हैं उसके अंदर तक मसाला चला जाता है, तो फिर उसका जायका बहुत मज़े का होता है, ज़बरदस्त जायका आता है। अभी जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए ढाम के रख दूँगी कि ये दम में पक जाए। तो ये देखिए अब दम में अच्छी खास से पक गया है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। और मैं चिकन कढ़ाई क्यों बना रही हूँ, हमारे घर भाई आए हुए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, अम्मी के बाद वो पहली दफ़ा हमारे घर आए हैं। एक दफ़ा पहले आए थे, लेकिन ये कि अकेले पहली दफ़ा आए हैं, और जो है ना मुझे अम्मी की याद बहुत आ रही है, क्योंकि अम्मी के साथ वो गप शप लगाते थे और अम्मी बहुत खुश होती थी जब मेरे भाई आता था। बार बार पूछती थी कि शबाना तुम क्या बनाओगी, शबाना तुम क्या बनाओगी। बस आ जाए हैं तो मेरा दिल बहुत खफा हो गया है। बस बहन भाई चीज़ ऐसी है कि बहन भाइयों के पीछे दिल बहुत खफा होता है। और हम तो बस गिने चुने बहन भाई रह गए। एक वक्त हम इतने ज़्यादा बहन भाई थे, और अब गिने चुने बहन भाई रह गए हैं। बस अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, और इनके अल्लाह कामयाब करे। बहनों की तो यही दुआएँ होती हैं। अभी मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ, ये सारे सो गए हैं तो मैं कमरे में आई हूँ। मैंने कहा जो है ना एक तो खामोशी है और थोड़ा टाइम भी है, तो मैं ऐसे करती हूँ थोड़े से फूल बना लेती हूँ। ये वही जो है ना क्रैप पेपर पड़े हुए हैं जो मीरब के बर्थडे पे यूज़ हुए थे, तो जो है ना बाबीन को फेंकने लगी थी, तो मैं इसको घर ले आई थी। मैंने कहा नहीं मैं इसे कुछ बनाऊँगी। तो आजकल मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं कुछ डेकोरेशन पीस बनाऊँ। मैं जैसे कि सिलाई सेंटर में जॉब करती थी, और बचपन से मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ था, और मैंने बहुत ये काम किया भी है। लेकिन मुझे शौक़ ऐसे था कि मैं बचपन से अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए ये काम करती थी, और जब ये काम कर लेती थी तो मेरे लिए मुसीबत बन जाती थी कि हर बंदा कहता था कि कोई कहता मेरे लिए बनाओ, कोई कहता मेरे लिए बनाओ। फिर मैंने ये काम छोड़ दिए। ये काम तो इंसान अपने आप को जो है ना रिलैक्स रखने के लिए करता होता है, कि जब चलो कभी डिप्रेशन हो रही तो इस किस्म के काम करो, तो इससे डिप्रेशन दूर हो जाती है। और अगर किसी के लिए बनाओ तो वो ज़िम्मेदारी बन जाती है, और ना ही इतना टाइम होता है इंसान कि किसी के लिए बैठ के बनाए। तो आप लोगों को ये मेरी जो है ना पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन कैसा लगा? मुझे तो बहुत प्यारा लगा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं किचन में आई हूँ भाई और जईद के लिए नाश्ता बनाने। ये सुबह का टाइम है, और साथ में नान मंगवाऊँगी, और रात वाला सालन होगा, मतलब जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी। और फिर जो है ना हम लोगों ने नाश्ता किया है, और बस भाई एक दिन के लिए आया था, वो फिर चले जाएँगे। तो जो भी इस वक्त मेरी वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक है। ये जईद जो है ना भाई को दिखा रहे हैं, वो जो मीरप ने केक काटने से इनकार कर दिया था। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें मीरप ने केक काटने से इनकार कर दिया है, तो आप मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। और मेरे चैनल में और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोगों को अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।